नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच, स्वागत करती हूं आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में। जानने के लिए अक्टूबर 19 का खास पार्ट। इंटरनेशनल क्रेडिट यूनियन डे 1948 से अक्टूबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है और इसे क्रेडिट यूनियनों और समुदाय के लिए उनके अर्थ का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। 2023 में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट यूनियन दिवस 19 अक्टूबर को है। यह दिन दुनिया भर में क्रेडिट यूनियनों की उपलब्धियों और योगदान को पहचानने के लिए समर्पित है। क्रेडिट यूनियन वित्तीय संस्थान है और वे अक्सर विशिष्ट समुदायों या लोगों के समूहों की सेवा करते हैं। पारंपरिक बैंकों के विपरीत क्रेडिट यूनियन गैर लाभकारी संगठन है जिनका लक्ष्य अपने सदस्यों को वित्तीय सेवाएं और सहायता प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट यूनियन दिवस क्रेडिट यूनियनों के लिए अपने मूल्यों और उपलब्धियों को बढ़ावा देने, अपनी सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समुदाय के साथ जुड़ने का एक अवसर प्रदान करता है। विश्व क्रेडिट यूनियन परिषद की स्थापना 1971 में दुनिया भर के देशों में व्यवहार्य क्रेडिट यूनियन आंदोलनों को स्थापित करने और बनाए रखने में दूसरों की मदद करने के लिए की गई थी। आप सोच रहे होंगे कि क्रेडिट यूनियन बैंक से किस प्रकार भिन्न है। क्रेडिट यूनियन अपने समुदायों को आगे बढ़ाने में रुचि रखते हैं क्योंकि उनका स्वामित्व उन लोगों के पास है जिनकी वे प्रतिदिन सेवा करते हैं। क्रेडिट यूनियन अपने सदस्यों की सेवा करते हैं, निवेशकों की नहीं। इसीलिए वे अपने सदस्यों की बचत को बेहतर बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। उन्हें अपने घरों, व्यवसायों और शिक्षा में निवेश करने में और एक मजबूत वित्तीय भविष्य सुरक्षित करने में मदद करते हैं। और अंत में, क्या आप जानते हैं 19 अक्टूबर 1987 को ब्लैक मंडे दुनिया भर में स्टॉक मार्केट में आई विनाशकारी गिरावट को संदर्भित करता है, जब डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज DJIA एक ही दिन में 508 अंक या 22.6% गिर गया था। यह अब तक की सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट बनी हुई है और 19 अक्टूबर 2005 की सुबह नेशनल ओशनोग्राफिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन विमान ने तूफान विल्मा के केंद्र में 882 मिलीबार का दबाव मापा, जो अटलांटिक तूफान में अब तक मापा गया सबसे कम दबाव है।